चतरा में श्रमदान और आपसी सहयोग से बोगा सड़म के ग्रामीणों ने बुध नदी पे 200 फीट लंबे पुल का निर्माण करा दिया। 200 लोगों ने मिलकर 2 दिनों में पुल का निर्माण कर लिया। आपको बता दें कि नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। बच्चे की जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुँच रहे थे। बोगा सड़म के ग्रामीणों ने बताया कि बुध नदी पे पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में उनका गाँव टापू में तब्दील हो जाता था, जिससे खेती और मवेशियों को चराने में परेशानी होती थी। करने वाली बात यह है कि ग्रामीणों को संकट से निजात दिलाने में न तो जनप्रतिनिधियों ने दिलचस्पी दिखाई और न ही प्रखंड प्रशासन ने। बहरहाल इलाके के जनप्रतिनिधि कब जागते हैं यह आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पे खेती बाड़ी गृहस्थी इधर भी है तो आने जाने में दिक्कत होता है, इसी चलते हम लोग अपना से इस तरह लकड़ी से व्यवस्था करके और बना के यार चल रहे हैं। नदी के उस पार बहुत जगह ज़मीन है, खेती बाड़ी उसी पार से हम लोग आश्रित हैं। इस नदी के इस पार से उस पार आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, सालों भर तकलीफ हो रहा है। नीचे चेक डैम बंधा हुआ है जिससे पानी यहाँ भरा 7-8 फीट पानी भरा हुआ रहता है। बच्चे का भी मैंने कि आने जाने में स्कूल बगल में है, इस पार से उस पार बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं अगर बारिश के मौसम में हम लोग को बाढ़ आ जाता है तो घूम के चली जाते हैं, इसलिए हम लोग के पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसा तकलीफ था कि हम लोग बांस के बना लिए और ऐसे आना जाना कर रहे हैं। नेता लोग आता है कुछ नहीं ध्यान देता, कर वोट के समय कहता है कि वोट लगाओ करो वाह करें। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम और उपायुक्त के फरमान के खिलाफ मानगो गांधी मैदान के सब्जी दुकानदारों ने विरोध जताया और उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सैकड़ों दुकानदारों ने हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। कोविड-19 के समय से जिला प्रशासन ने सभी सब्जी विक्रेताओं को गांधी मैदान में सब्जी बिक्री करने का आदेश दिया था, तब से दुकानदार वहाँ सब्जी बेचते आ रहे हैं। अचानक मंगलवार को फरमान जारी कर गांधी मैदान को खाली करने का आदेश मानगो नगर निगम द्वारा जारी किया गया, जिससे दुकानदारों का रोजगार छिन जाने से अब उन्हें डर सताने लगा है। मैं उपायुक्त महोदया से मांग करने आया हूं कि मैदान बनना चाहिए, पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि मानगो में इकलौता गांधी मैदान एक बड़ा पार्क है जहाँ लोग टहलने घूमने खेलने मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वहाँ होना चाहिए। लेकिन अचानक 3 महीना पहले टेंडर हुआ, आप 3 महीना में इन्हें हटाए नहीं, आप इन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए। हम तो आपके माध्यम से बात करते कि मैदान में क्यों लगाया गया था, लोग कब लगाया गया था मैदान में? कोरोना काल में इन लोगों को स्थान दिया गया था सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। इसके बीच क्या हुआ कि जो डिवाइडर थे बहुत डिवाइडर में पार्क बन गए, लोगों को लगा कि हम सड़क में बेचेंगे तो जान माल की हानि होगी, चलिए भाई हम बीच मैदान में बैठते हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ, कोरोना काल में बहुत के परिवार उजड़ गए, कमाने खाने वाला चला गया इस दुनिया से, उसके रोजी रोजगार छीना गए, टेम्पू चलाने वाले के बैंकों ने टेम्पू को खींच लिया, तो ये सब्जी बेचने लगे। अब अचानक उपायुक्त महोदया कहती है नगर निगम के द्वारा कि आप हट जाइए, हटेंगे, आप 1 महीना का समय दीजिए और उसके बाद इन्हें कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर